हाँ भाई सोनी, अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी थोड़ी वीडियो जो है डिफरेंट रहेगी, होगी कल ब्लॉग में कि नहीं बोला करो, होगी बोला करो, आज मेरी वीडियो थोड़ी डिफरेंट होगी। आज मैंने एक चीज़ देखी पार्क में जाते हुए, तो मैंने सोचा ये शेयर की जाए, ज़रा कंपेयर किया जाए एम्स्टरडम को, हॉलैंड को, पाकिस्तान से थोड़ा। तो ये मैं आपको चीज़ दिखाने लगा हूँ, आपको फिर उसके बाद समझाऊँगा क्या है और फिर देखेंगे। ये देखें मेरे पीछे, ये क्या है? ये आप किसी भी पार्क में घुसते हैं एम्स्टरडम में, नेदरलैंड में, तो इस तरह का एक डब्बा लगा होता है जिसमें ये यहाँ से शॉपर निकालते हैं, ये यहाँ से शॉपर निकालते हैं, ये शॉपर इसलिए कि जब यहाँ कुत्ते करते हैं अपना पोटी करते हैं, पेशाब करते हैं, तो उनके मालिक हैं जो इस शॉपर में डालते हैं उठा के, और फिर इस तरह के डस्टबिन में फेंक देते हैं ताकि लोगों के पांव गंदे ना हों पार्क में, लोगों के कपड़े गंदे ना हों पार्क में बैठ के कहीं, और ना ही पार्क में बदबू आए और ना ही इस तरह का कुछ और फील हो। तो मैं इससे ये कहना चाहता हूँ कि देखें इधर हॉलैंड में मतलब सफाई का क्या आलम है, हत्ता के मालिक जो है अपने हाथों से कुत्तों की टट्टी उठा के फेंकते हैं डस्टबिन में ताकि सफाई रहे। ये देखें जैसे मेरे पीछे एक बंदा, ये भी अब अपने कुत्ते को घुमा रहा है, जैसे इसका कुत्ता उस स्टेज पे पहुंचेगा ये वहाँ से एक फटाफट चॉपर निकालेगा, या इसके पास अपने होंगे तो नीचे से उठा के डस्टबिन में फेंक देगा। तो हमारे पाकिस्तान में मैं अब उसकी मज़ीद डिटेल में नहीं जाना चाहता कि लोग क्या करते हैं, कैसे कोई चीज़ फेंक के उसका रैपर जो गली में फेंक देते हैं, या अपने घर की सफाई उठा के बाहर गली में फेंक देते हैं। तो मैं साथ साथ अपने पीछे थोड़ा ये दिखा रहा हूँ कि खूबसूरती जो होती है वो सिर्फ इंसानों से नहीं होती, उनके उनकी आदतों से होती है, और उनके उठने बैठने से, उनके हर चीज़ से नज़र आती है। देखें, और पढ़ा लिखा होना भी सिर्फ एक डिप्लोमे का मतलब नहीं है, पढ़ा लिखा होना भी जो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से नज़र आता है इंसान को कि वो किस हद तक पढ़ा है। क्योंकि आप जब अपने कुत्ते की टट्टी यहाँ छोड़ेंगे, यहाँ तकरीबन दिन में सैकड़ों के हिसाब से लोग कुत्ते लेके आते हैं, कुत्ता रखना तो यहाँ नॉर्मल चीज़ है, तो कुत्ते लेके आते हैं, तो अगर सैकड़ों के हिसाब से अगर उनमें से सैकड़ों कुत्ते यहाँ टट्टी करें दिन में दो दो बार भी, तो क्या ये पार्क बैठने के काबिल रह जाएगा या इसमें घूमने के काबिल रह जाएगा? जगह जगह पाँव गंदे होंगे, जगह जगह जहाँ बंदे बैठेंगे, बल्कि बैठने के काबिल ही नहीं रहेगा। सो इसलिए हर इंसान अगर अपनी अपनी ज़िम्मेदारी उठाए तो मेरे ख्याल से हमारा पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत हो सकता है, और बल्कि खूबसूरत है, सिर्फ उसमें नेचुरल खूबसूरती तो उसमें है, लेकिन जो हमने आर्टिफिशियल खूबसूरती उसमें डालनी है सफाई करके, और उसके अलावा आर्टिफिशियल चीज़ें बना के, झूले वूले इस तरह की चीज़ें पार्कों में बना के, तो वो आपके ज़िम्मे है, हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारी उठाए। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो एक डस्टबिन लगा सकते हैं, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो किसी को इतना बोल सकते हैं कि भाई ये जो रैपर है आप यहाँ मत फेंको, इसको साथ ले जाओ, इसको वहाँ फेंक देना जहाँ जगह बनी हो, इतना भी नहीं कर सकते तो आप अपना अपना रैपर ना फेंकें और उसको ऐसी जगह जाके फेंकें जहाँ वो फेंकी जाने की जगह हो। अच्छा, इसके अलावा ये है कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान में अगर रिसाइकलिंग कंपनीज हैं, मुझे नहीं मालूम हैं कि नहीं है, अगर हैं तो उनके लिए बहुत काम है। जितना भी कचरा होता है इसमें से एनर्जी भी बनती है, इसमें से काफ़ी चीज़ें रिसाइकल भी होती हैं, तो वो बंदे जो पैसे लेके घूम रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है उनके पास, ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस बन सकता है पाकिस्तान। हाँ, इन्वेस्टमेंट थोड़ी बड़ी है, लेकिन कोई चीज़ शुरू की जाए तो कोई ऐसी इम्पॉसिबल चीज़ नहीं होती। तो आज का मेरा यही कहना था। देखें, मैं अभी आपको थोड़े आगे जाके दिखाता हूँ, शायद यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, इतना खूबसूरत पार्क है ये, वंडर पार्क अगेन, मैं एम्स्टरडम के वन ऑफ द मोस्ट फेमस पार्क में घूम रहा हूँ।
खैर जो आगे थोड़ी खुली जगह है वो थोड़ी दूर है, वहाँ तक जाते हुए मुझे तकरीबन और 5 मिनट लग जाएंगे, तो मेरे ख्याल से मेरी ये वीडियो है ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो वरना नेक्स्ट टाइम मैं इस तरह का कुछ बना के दिखाऊंगा आपको। वंस अगेन, अगर आप एम्स्टर्डम की कोई चीज़ देखना चाहते हैं, कोई जगह देखना चाहते हैं, कोई टूरिस्टिक अट्रैक्शन देखना चाहते हैं, कोई और इस तरह की चीज़ देखना चाहते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, तो जैसे जैसे लोग डिमांड करेंगे मैं उस तरह की चीज़ें दिखाता जाऊँगा। तो देखिए मेरे पीछे थोड़ी सी दूर खुली जगह नज़र आ रही है। बहरहाल थैंक यू, ओके, खुदा हाफिज़।